गाइस, आई एम सो एक्साइटेड टुडे. वी आर एट ट्विन स्ट्रिंग स्टूडियो एंड आई हैव माय टू बच्चास विद मी. हेलो, फाइनली वी आर डूइंग दिस. कब से प्लान कर रहे थे? फाइनली आई एम गोना आस्क दीज गाइस द फर्स्ट क्वेश्चन. आप लोगों का ये बनाने का इंस्पिरेशन क्या था? व्हाई डिड यू वांट टू मेक लाइक वी हैड दिस स्पेस लाइक फ्रॉम लास्ट टू इयर्स एंड जब हमने लिया था तभी से मैं प्लान में था कि इसको लाइक कुछ ब्रेक करना है और इसको मतलब पूरा बड़ा स्पेस बनाना है. देन कमिंग टू प्रैक्टिकलिटी तो पता था हमारे बस की तो नहीं है. वहाँ पे आए हमारे करता धरता रसाइकी पीपल कुंतल दीदी एंड इन्होंने फिर पूरा 3D बनाया. बट आपको रियल इंस्पिरेशन के पहले की एक बैक स्टोरी छोटी सी बता देता हूँ. प्लानिंग कुछ नहीं थी. प्लान स्टार्ट हुआ था कि सिर्फ एक वॉल हटानी है. सो अभी आपको देखो पहले कैसा दिखता था उसकी फोटो हम यहाँ पे डाल के दिखा देते कैसा था एंड दिखने के बाद दिखाए मतलब बनने के बाद ये कैसा दिखाए वो भी दैट इज ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू सी इन द वीडियो. इंस्पिरेशन मतलब वो वॉल ही थी. इंस्पिरेशन थी एक वॉल जिसको सिर्फ ब्रेक करनी थी और हमारे को एक रूम बड़ा बनाना था ताकि हमारा पूरा बड़ा बैंड यहाँ पे एक साथ बैठ के जैम कर पाए. और वो वॉल टूटी फॉल्स हटा तो थोड़ा किचन भी हटा देते. किचन टूटा तो थोड़ा सा ये किचन में तो ये बोले नहीं हम तो एल शेप ही रखेंगे. मैंने कहा नहीं यार टू कन्विंस देम फिर मतलब वो कंबाइनली फिर जब लगा कि जब एक किडनी निकली गई है तो दोनों किडनियां निकाल के एक अच्छा स्पेस बनाएंगे. इंस्पिरेशन वाज दीदी. आई वाज टू एडमेंट फॉर यस. सो शी वाज पुशिंग अस कि बनाओ फिर एक बार अच्छे से बनाओ क्योंकि बार बार आप नहीं बना सकते. और वो चीज बनने के बाद अब हमें रियलाइज हो रही कि अच्छा डिसीजन था. थैंक यू. सो देयर वाज अ डीप एंड देयर इज अ डीप साइंस अबाउट व्हाई डू वी यूज डार्क कलर एंड आई केम टू नो अबाउट दिस. आई हैड सम आइडिया बट आई थिंक आई केम टू नो अबाउट इट मोर फ्रॉम साहिल. सो आई रियली वांट हमने ये डार्क कलर स्टूडियो में क्यों लिया इसका रीजन बताओ. मुझे अभी भी याद है जब हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें इस स्टूडियो को थोड़ा लाइट लेने के डार्क. देन यू सजेस्टेड कि लेट्स डू डार्क बट यू डिडंट नो द लॉजिक कि क्यों होता है. सो जिनको नहीं पता व्हेन इट कम्स टू स्टूडियो डार्क स्पेस में क्या होता है. व्हेन यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक तो कहीं ना कहीं आपके सेंसेस सेंसेस आपके ज़्यादा काम करते हैं जब स्पेस डार्क होता है. लाइट से यू कैन लिट अप द स्पेस बट या डार्क कलर्स एंटिटीज यूज करके आपको ज़्यादा सेंस होता है. लाइक इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग म्यूजिक तो ज़्यादा लेयर्स क्या क्या चल रहा है आपको लाइक कम लाइट में ज्यादा आप सुन पाते हो. वो हमारा लॉजिक है. आपने क्यों डार्क किया? आई जस्ट फेल्ट सो इंस्टिंक्टिवली व्हेन आई सॉ द स्पेस कि दिस बॉयज विल लाइक डार्क. दे विल लाइक डार्क कलर एंड आई वांट टू गिव दैट डार्क कलर फॉर द बॉयज. एंड जिसने आई गेस हमारे स्पेस को बाकी जगहों से थोड़ा डिफरेंट बनाया. हां एंड इवन अभी जो भी ज्यादा लोगों ने नहीं देखा ये बट जो भी आ रहा है एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट द वाइब ऑफ द स्टूडियो की यार ऐसा कुछ उन्होंने देखा ही नहीं अभी तक बेसिकली. हां दिल्ली में किसी ने मतलब लोगों ने ऐसा भी बोला कि दिल्ली में ही ऐसा कुछ नहीं है. सो वी आर लाइक चलो आई थिंक इट्स गुड. यस यस यस. सो यस वी अचीव समथिंग. व्हाई डिड यू चूज अस द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. इसका बहुत बड़ा रीजन है. सो आई विल टेल यू सबसे बड़ा रीजन इनको चूज करने का था कि हमारे पास और कोई था ही नहीं तो हम और किसे करवाते. बेगर्स आर नॉट चूजर्स. नहीं सॉरी नहीं मजाक कर रहे. मैं आपको सच बताता हूँ हमने इनको क्यों चूज किया. हमने ऐसा नहीं है कि हमने मार्केट सर्च नहीं किया था. ये आपको फैक्ट बता रहा हूँ ऑन कैमरा. मेरे और भी फ्रेंड्स हैं जिनका इंटीरियर का काम है और मतलब हमने देखा था कि सब कैसे स्पेस बना रहे हैं. और इवन इन दीदी का फोटो बजट लिया था पर इन्होंने बोला था कि मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगी बस कॉस्ट पे कॉस्ट बना दूंगी. हमें थोड़ी नहीं नहीं जिनका इंटीरियर का काम है. और दीदी का जो एक स्पेस है बनाने का स्टाइल है जो एक होता है ना इनका एक स्पेसिफिक वाइब है. वो ऐसे फॉलोइंग लाइंस होती है और उन चीजों को देख के हम लोग ने सोचा तो था सही बात की कभी भी लाइफ में अगर कुछ बनाएंगे अपने खुद की स्पेस तो इनके अलावा तो हम कहीं नहीं जाने वाले. मतलब हमने परेशान भी बहुत करा है. परेशान बहुत. साहिल ने मुझे बहुत परेशान करा है. मैंने बहुत करा है. ही इज द मोस्ट इंडिसिसिव क्लाइंट आई हैव एवर गॉट. बहुत आज वो डिसाइडेड. बट बेस्ट पार्ट इज दीदी को बोलता था यार एक लाइन में ना यहाँ पे दो लाइट आ रही है चार कर दो बस खत्म. दो का चार चार का दो करा जा रहा हूँ. लेकिन एट द एंड जो चीज आउटपुट जो आया है वो अच्छा है एंड वी आर ग्लैड. सो थैंक यू. A lot of times I always emphasize on how important it is to do interior design spaces.
आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है. तो बहुत टाइम हम लोग एडजस्ट करते हैं, सोचते हैं 2 साल बाद कुछ करा लेंगे, लाइट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वेंटिलेशन के साथ, सनलाइट के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं. बट आई फील आप लोगों का जो पहले स्टूडियो था और आज जो है उसमें हाउ डू यू फील द डिफरेंस. आई नो जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है दैट्स वन थिंग, बट उसके मल्टीफोल्ड ग्रोथ होती है या नहीं होती, दैट्स ऑल आई वांट टू आस्क. मतलब इतनी मल्टीफोल्ड ग्रोथ हो गई है जब से स्पेस बनाया, हमें जगह टाइम नहीं मिल रहा आने का, लेकिन जितना भी टाइम हमें मिला है लाइक वी क्रेव कि हमें मौका मिले एंड वी जस्ट लाइक कम हियर सिट ऑन द डेस्क एंड काम करने का वो मिले. यू लुक फॉरवर्ड कि हां यार काम वो स्पेस बुलाती है आपको. सही पता है कि इंस्पिरेशन भी मिलती है जगह से जो हमें पहले नहीं समझ आता था. जब आप एक ऐसी स्पेस में आते हो, पहले प्रॉपर नॉर्मल एक बेडरूम की तरह था एंड वो इतना डिफरेंस नहीं था, बट कॉम्प्रोमाइज था एंड नाउ इट इज अ टास्क ओरिएंटेड एरिया. मतलब ये पता है ये एरिया किस चीज के लिए है, ये रिकॉर्डिंग के लिए है, वो जैम एरिया है, वो मीटिंग एरिया है. सो इट इज ऑल वेरी फंक्शनल एंड ऑर्गेनाइज्ड. और हर जगह की ना एक डेडिकेटेड स्पेस है, जैसे आपको पता है कि इन और हमने जो बनाया भी है ये तो मल्टीपल यूटिलिटी स्पेस है, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टूडियो भी नहीं है. तो एक स्पेस है जहाँ पे सिर्फ हम मीटिंग्स करने वाले हैं, वो उधर का एरिया है. एक एरिया है जहाँ पे हम लोग रिकॉर्डिंग्स करने वाले हैं, उसी के अगर सामने वाला वॉल देखोगे तो हम वहाँ पे जैम्स करने वाले हैं. तो एक ही जगह को कैसे हम मल्टीपल तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, उस तरीके से हमने उसको डिज़ाइन किया है. और Like those folding tables. Folding tables हैं. तो आप folding table use कर सकते हो जब आपको, जब यहाँ पे जब आपको shoot करने तो वो अंदर चली जाती है. तो multiple चीजें यहाँ पर. हमने एक pantry के सामने blind लगाई है क्योंकि they wanted कि अगर podcast वगैरह कुछ कर रहे हैं या कोई recording कर रहे हैं तो वो kitchenette एक ऐसा you know visual hindrance ना बने. So we've created multiple spaces in a small space like this. Yes. In short, every wall is a different set. In totality. Yes. So a lot of videos are going to come. A lot of shoots are going to happen here. Yes. See you guys in the next project. Yes. So जब तक ये project चल रहा था, मैं आपको बता रहा हूँ हम लोग यहाँ नहीं थे, but these guys took care of everything from society के calls to you know planning everything, ये demolishing से लेके पूरा new space बनने तक. सो बहुत मजा आया हमारे को. तो एंड बाय द एंड वी वांट टू से थैंक यू सो मच, अ बिग हग टू यू, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क मोर ऑन एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि ये वाली जगह से आप लोग बहुत सारे अच्छे वीडियोस बनाओ, क्रिएट करो, बहुत सारे न्यू स्पेसेस बनाओ और आप डिजाइन करो. थैंक यू. थैंक यू. ओके गाइस, बाय, सी यू.